हेलो माय डियर फ्रेंड्स हाउ यू ऑल आर गुड सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग यस सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आप सब लोग अच्छे हो फिट हो मस्त हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफ हो यू आर सेफ इन योर होम राइट सो वी वर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम पढ़ लेते स्ट्रक्चर एनालिसिस और मेरी गारंटी है कि इस ड्यूरेशन में जब से आप मेरे से जुड़े हो सब्जेक्ट और इससे डर निकलते जा रहा है राइट सो वी आर स्टडी दिस चैप्टर बोथ फॉर गेट एंड ई एसी गेट और ये सी दोनों के लिए हम कवर कर रहे हैं एंड मैं बारह बोलता हूं दिस इज योर चैनल वी ऑलवेज वेलकम यू टू आवर चैनल बट मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि ये आपका चैनल है राइट सो दो नो अबाउट मी जो भी लोग अभी इस चैनल पर नए नए जुड़े फॉर दैट माइ सेल अभिषेक भारती हाथ

और आपको अगर ये देखना है तो आपको करना क्या होगा यू नीड टू गो टू दिस यू आर एल ये लिखोगे और आप मेरे सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हो बस आपको मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना होगा राइट एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाह रहे हो यू द कोड भारे Because when I say use the code Bha 10, so Bha Ten is not just a code. It is not just a code, it is a relation, it's a mentorship that you are going to get from me. You are going to get my mentorship, my guidance. The first of all, my guidance will be there throughout your subscription time. And the live classes are there. But the interactive environment over there is very good. और लाइव क्लास साथ आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है हर सेवेंथ डे विल बी द वीकली टेस्ट ईच फोर्थ डे ऑफ द क्लास विल बी द डाउट सेशन राइट क्लासेस आर देयर बोथ इन इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस होती है एंड द रैंक बूस्टर बैच इज देयर अभी आप देखे हो कि रैंक बूस्टर बैच सिविल का भी नया भी शुरू हुआ है राइट सो ऑल दिस एडवांटेजेस यू गेट ऑन द प्लस राइट बट व्हेन यू कम टू द आईकॉनिक जो भी लोग गेट ई के लिए तैयारी कर रहे हो या जिनका बेस वीक है राइट यू गेट अ स्टडी बूस्ट से राइट यू गेट अनालिस एंड द प्रिपरेटरी स्टडी मैटेयल सो ऑल दीज आर एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट यू गेट इन द इकॉनिक अपार्ट फ्रॉम द प्लस ओके

सब्सक्रिप्शन इज इट क्लियर चलिए सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद्स आज हम पढ़ने होंगे हम इसलिए केबल ब्रिज पे राइट सो यू माइट सी अ केबल ब्रिज या आप uh, कहीं बहुत से नुमड़कल भी बनाए स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल में केबल्स यूज करते हुए है ना सो विल सी दट विल सी दट ठीक है और एक बड़ा एक मजेदार सवाल गेट 2014 में आया था जो आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के चैप्टर में मिला होगा और आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं सर हाउ टू सॉल्व दिस है ना और मैं तुमको दिखाऊंगा देखो इसको सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है आई विल शो यू डेट डोंट वरी ओके सो वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केबल पहले बात ये केबल होता क्या वट इज अ केबल केबल है क्या केबल इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर मेंच कैन कैरी ओनली टेंसाइल लोडिंग केबल क्या है केबल इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैन कैरी ओनली टेंसाइल लोडिंग क्या बोल रहे हैं आप केबल क्या है वॉट इज अ केबल केबल इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैन कैरी विच कैन कैरी ओनली टेंसाइल लोडिंग विच कैन कैरी ओनली टें सिर्फ क्या होगा भाई यहां पर टेंसाइल लोडिंग होगा इट कैन कैरी ओनली टेनसाइल लोडिंग ठीक है इट कैन कैरी ओनली टेनसाइल लोडिंग सिर्फ और सिर्फ टेनसाइल लोडिंग ही हो सकता है इट कैन नॉट कैरी कंप्रेशन कंप्रेशन नहीं ले सकता इट कैन नॉट है मोमेंट इट कैन नॉट है पॉइंट इन द केबल इज इक्वल टू जीरो

केबल की प्रॉपर्टीज में आता है तो इसको और डिटेल में बात करते हैं तो देखो देखो यहां पे आपने बोला सर कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो इट कैन नॉट कैरी एनी कंप्रेसिव लोड राइट बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो ठीक है सर ये भी समझ में आ गया तो आप हमको ये बताओ सर आप हमको ये बताओ कि सर ट्रस्ट के किसी मेंबर में और केबल के किसी मेंबर में क्या डिफरेंस है वट इज द डिफरेंस बिटवीन केबल एंड और ट्रस्ट मेंबर यस केबल और ट्रस्ट मेंबर में क्या डिफरेंस है कौन बताएगा इन अ केबल अ केबल कैन कैरी ओनली टेंसाइल लोड राइट लेकिन जब हम ट्रस्ट के किसी मेंबर का बात करते हैं बट द बेडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो इज इट क्लियर बात समझ में आए तो अगर हम केबल और ट्रस्ट के किसी मेंबर को कंपेयर कर रहे हैं सो केबल कैंकारी ओनली टेन साइड लोड वेर एस ट्रस्ट कैंकारी बोत Trust member ये समझ में आ गया अरे बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ टू एवरी वन चली अब आगे बात करते हैं तो अगर हम किसी केबल में बात करें टॉक ऑफ एनी केबल से दिस केबल इज इफ आई अप्लाई एनी टेंसाइल लोड इफ आई अप्लाई एनी टेंसाइल लोड आई अप्लाई एनी टेन्साइल लोड सो बेलिड डिफॉर्म क्या ये डिफॉर्म करेगा क्या ये डिफॉर्म करेगा अगर हम कोई टेन्साइल लोड दिस इज अ केबल मेंबर दिस इज अबल मेंबर ए बी राइट एंड इन दिस केबल मेंबर अगर हम कोई टेन्साइल लोड लगाए इफ आई अप्लाई एनी टेन्साइल लोड तो क्या ये डिफॉर्म करेगा येस और नो यस यस इट विल डिफॉर्म दैट मीनस द एक्शुअल रेजिडिटी एक्शल रेजिडिटी ऑफ अ केबल में इज ना इधर जीरो नॉर इंफिनिटी इट हैज समल्यू सो एम राइटिंग दट एक्शुअल रेजिडिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो समझ में आ गया एक्चुअल रेजिडिटी डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई ए सो दिस एज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है लेकिन इफ यू आई अप्लाई एनी ट्रांसवर्स लोड अगर हम अगर हम कोई ट्रांसवर्स लोड लगा दे केबल में, इफ आई अप्लाई एनी ट्रांसवर्स लोड इन द केबल तो व्हाट विल हैपन इफ आई अप्लाई एनी ट्रांसवर्स लोड ऑन द केबल लेट अस से दिस वाज अ केबल आई अप्लाई एनी ट्रांसवर्स लोड सपोज यहां पे तुम्हारा पकड़ा हुआ था समवन समथिंग वाज होल्डिंग इट राइट तो अगर तुमने यहां पे ट्रांसवर्स लोड लगाया अगर तुमने यहां पे ट्रांसवर्स लोड लगाया तो क्या होगा ये हो जाएगा बोलो या हाँ ना वेन यू द ट्रांसवर्स लोड इन अ केबल भाई केबल को खींचो नीचे की तरफ आपका केबल है यू प्रेस अ डाउनवर्ड लोड सो डाउनवर्ड लोड करें क्या होगा यही ऐसे ही खिंचाएगा बोलो या हाँ ना और अगर ऐसा खिंचाया तो यहां पे बेंडिंग का नाम नहीं है मतलब इट कैन नॉट रेजिस्ट एनी बेंडिंग मोमेंट यहां पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा कहने का मतलब है कि इसका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है दिस इज इक्वल टू जीरो इट कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोमेंट कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकता दैट इज ई आई इज इक्वल टू जीरो दैट इज ई आई इज इक्वल टू जीरो इज इट क्लियर इज इट क्लियर बोलो रे बाबा यस yes? तो इन अ केबल इन अ केबल इन अ केबल, इना केबल मेरा एक्चुअल रेजिडिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट प्लेजर रेजिडिटी दिस विल इक्वल टू जीरो पॉइंट सबको क्लियर हुआ टू एवरीवन यस ए दम तो भाई मेरे केबल के लिए मैंने आपको क्या बोला अगर हम पूरा समराइज करें तो केबल इज मेंबर मेंच कैन कैरी टेंशन इट्स एक्सुअल रिजिडिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट फ्लेक्ल रिजिडिटी क्वल टू जीरो जीरो नहीं होगी लेकिन जो रिजिडी है, so है ना चलिए तो अगर हमको ये पहचानना है कि मानो स्ट्रक्चर इक्विलिबियम है नहीं कोई भी बॉडी इक्विलिबियम है नहीं ठीक है बिकॉज वी आर डीलिंग equilibrium फोर्सेस तो जस्ट एक मेकेनिक का पार्ट है वो मैं कवर कर रहा हूं राइट इक्विलिब्रियम 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 फोर्सेस फॉर अ बॉडी फॉर अ बॉडी सो नाउ टेल मी अगर मैं बोल रहा हूं किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सिंगल और बॉडी पे, फोर्स so पे दो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा का बात कर रहे है इक्वलिबियम में कब होगा बताओ भाई वो इक्विलिबियम में कब होगा yes? अगर हम बोल रहे हैं, किसी बॉडी पे टू फोर्सेज आर टिंग सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज

एंड ऑपोजिट जब वो इक्वल होगा ऑपोजिट होगा और कोलिनियर होगा वेन दे आर वेन दे आर इक्वल ऑपोजिट ऑपोजिट एंड एंड कोलिनियर एंड कोलिनियर यस ऑर नो बोलो बेटा यस ऑर नो ए दम मानो ये कोई बॉडी है है ना अगर हमको बोलना है ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है आई हैव टू टेल दैट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो भैया मेरे द फोर्सेस विल बी इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर इट विल बी कोलिनियर इज इट क्लियर टू एवरीवन ये पॉइंट समझ में आया यस yes? अरे बोलो हाँ ना अब मानो किसी पॉइंट पे दो से ज्यादा फोर्स लग रहा है अगर किसी पॉइंट पे दो से ज्यादा फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट से दो से ज्यादा फोर्स पास कर बॉडी से दो से ज्यादा फोर्स पास कर रहा है सो व्हेन कैन इट बी इन इक्विलिब्रियम कब वो इक्विलिब्रियम में होगा यस व्हेन कैन इट बी इक्विलिब्रियम बोलो बेटा व्हेन कैन इट बी इन इक्विलिब्रियम इफ फ्रॉम अ पॉइंट इफ फ्रॉम अ पॉइंट मोर देन टू फोर्सेज आर एक्टिंग इफ फ्रॉम अ पॉइंट मोर देन टू फोर्सेज आर एक्टिंग वेन इट विल इक्वलिबियम वो इक्विलिबियम में कब होगा वो इक्विलिबियम में कब होगा जब जब यस इटवी को प्लानर एंड कंकरेंट वेन इटविल बी को प्लानर एंड कंकरेंट अगला पॉइंट क्या हो रहा है वेन मोर देन मोर देन टू फोर्सेस टू फोर्सेस आर एक्टिंग

को प्लानर एंड कंकरेंट इज इट क्लियर टू एवरी वन तो मान लो अगर कोई बॉडी है इफ दर इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी सब्जेक्टेड टू एन नंबर ऑफ फोर्सेस राइट मोर देन टू फोर्सेस ठीक है मोर देन टू फोर्सेस ठीक है सो इट इज सब्जेक्टेड टू एन नंबर ऑफ फोर्सेस सो वेन इट विल बीन इक्विलिबियम वेन ऑल आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट एंड इट इज कंकरेंट वो क्या होना चाहिए कंकरेंट होना चाहिए बात समझ में आया कि नहीं आया राइट right. तो अगर दो फोर्सेज हैं, तो इट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट एंड कोलिनियर है ना अगर मोर देन टू फोर्सेज हैं, तो कोप्लानर होने चाहिए और कंकरेंट होने चाहिए तब वो क्या होगा आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा देन योर बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम यार देखो मजे वाला चीज तो हम पढ़ चुके हैं सब चीज है ना तुम तो यही सोच रहे हो गे? सर मजे वाला चीज तो हम पढ़ लिए सर हमने डीएसडी के पढ़ लिया सर हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ लिया हमने आईएलडी पढ़ लिया हमने ट्रसेस पढ़ लिया हमने डिफ्लेक्शन इन ट्रसेस पढ़ लिया पढ़ लिया तो तो सर अब तो स्ट्रक्चर खत्म हो जाना चाहिए अब तो स्ट्रक्चर तो मेन ही नहीं से आता है तो भैया मेरे ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रक्चर एक ऐसा पार्ट है जो आपको क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है हाँ देर इज अ हाई चांस की क्वेश्चन एमडीएम और डी से आता है लेकिन आपने अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न देखा है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं ठीक है तो यू कांट मिस एनी टॉपिक यू कांट मिस एनी टॉपिक इज इट क्लियर तो फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे और उसका अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर तुमने अप्रोच में गलती किया तो तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा यू विल गेट द आंसर बट रिजल्ट मे और मे नॉट बी करेक्ट द रिजल्ट मे और मे नॉट बी करेक्ट इज इट क्लियर तो लेट सी लेट सी यह क्वेश्चन सबने देखा है यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबने ही देखा है देखा है कि नहीं देखा है बोलो एवरी वन माइड एव सीन दिस क्वेश्चन एवरी वन माइड एव सीन दिस क्वेश्चन बहुतों ने मेरे से पूछा भी था कि सर यह क्वेश्चन कैसे बनेगा बौद्धों ने मेरे से सवाल भी पूछा था सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा तो अब देखो इसको एनालाइज करने का बहुत तरीका है टू एनालाइज दिस देर इज बैरियर मेथड दिस आर रिजिड बी दिस रिजिड बी मीन सपोर्टेड बाय द केबल ए बी सी डी एंड द केबल बी ई एंड सी एफ ठीक है इस रिजिड बीम का वेट दिया हुआ है 1800 सौ न्यूटन द वेट ऑफ द रिजिड बीम इज एटीन न्यूटन तो आपको यह बताना है कि वट इज द फोर्स इन द मेंबर ए बी अब आधे लोग को देख के बैंड बज गया क्वेश्चन से ही कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा और वो भी दो मिनट में क्योंकि दो मार्क्स का क्वेश्चन है मैक्सिमम टू मिनट्स या थ्री मिनट्स देंगे हम इस क्वेश्चन को अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा अब मैं सही बात बोलूं इट जस्ट इन्वॉल्व स्ट्रैटेजी प्लानिंग इट जस्ट इन्वॉल्व स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो किया आपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया उ यू हेव अप्रोच द क्वेश्चन तो लुक एट यू आर वेरी प्रॉपरली लुक एट यू आर वेरी प्रॉपरली स्ट्रक्चर है क्या दिस बीम इज सपोर्टेड बाई द केबल बी एंड द केबल सी ठीक है एंड द के पॉइंट बी एंड सी इज कनेक्टेड टू द ए एंड डी बाय द केबल इट सेल एंड टू ईच अदर ऑल्सो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज अ फोर्स इन द केबल ए बी ए बी पे फोर्स कितना होगा अच्छा टेल मी वन थिंग ये कौन सा ज्वाइंट है ये कौन सा सपोर्ट है फिथ सपोर्ट है या सपोर्ट है इट इज सपोर्ट और हिंस सपोर्ट टेल मी फर्स्ट ये फिथ सपोर्ट है या सपोर्ट है इट इज हिंज सपोर्ट ठीक है अब मेरी बात समझना अगर हम बात करना है फोर्स इन द केबल ए बी फोर्स इन द केबल ए बी तो आपको नहीं लगता आपको नहीं लगता क्या कि ये जो फोर्स आएगा केबल ए बी में ये जो फोर्स आएगा केबल ए बी में ये ऊपर की तरफ आएगा बिकॉज इफ इट इज अ केबल अगर ये केबल है अगर ये केबल है तो भाई फोर्स इन द मेंबर इज टेंसाइल इन नेचर फोर्स मेंबर पे टेंसाइल होगा बोलो या ना तो अगर केबल ए बी है अगर ए बी इज अ केबल तो फोर्स ऑन द मेंबर ए बी इज टेंसाइल इन नेचर और वो कहां दिखेगा वो सपोर्ट पे दिखेगा बिकॉज अगर तुम ए बी पे इधर दिखा रहे हो दिस इज द फोर्स ऑन द केबल ए बी राइट तो ऊपर में रिएक्शन से ही तो आ रहा होगा आप वहां पे कहां से निकालो अगर ए ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम बनाओगे अगर तुम ए ज्वाइंट पे इक्विलिब्रियम बनाओगे एट द ए ज्वाइंट तो भाई जितना फोर्स ए बी पे आएगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ रिएक्शन से आएगा तभी तो बैलेंस होगा ना तभी तो बैलेंस होगा बोलो हाँ या ना अरे बोलो हाँ या ना तभी तो बैलेंस होगा सो दिस इज द रिएक्शन एट दिस इज द रिएक्शन एट ए दिस इज द रिएक्शन ए इज इट क्लियर पहला पॉइंट क्लियर हुआ तो जो भी फोर्स ए बी पे आना है वो ए पॉइंट पे जो भी रिएक्शन आएगा उसी से आना है ये पॉइंट समझ में आ गया इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपको ये रिएक्शन निकालने के लिए यू शुड बी नोइंग द वर्टिकल रिएक्शन एट ए यू शुड बी नोइंग द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए ऑन टेल मी फर्स्ट यस ऑन नो कम ऑन टेल मी यस ऑन नो फॉर फाइंडिंग द रिएक्शन एट ए आपको ए पे रिएक्शन निकालने के लिए यू रिक्वायर द वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए बिकॉज बिकॉज आई एम राइटिंग द फोर्स ऑन द मेंबर ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू रिएक्शन एट ए एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रूट ओवर वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर बोलो बिकॉज द फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए फाइंड द रिजल्टेंट दिस इज द फॉर्मूला अरे बोलो रे बाबा अरे बोलो यस नो मतलब अगर हमारे पास वी ए है अगर हमारे पास एच ए है तो हमारा काम हो गया हो गया कि नहीं हो गया देखो क्वेश्चन का अप्रोच समझा रहे समझो ठीक है तो हमारा काम हो गया अगर हम बी और एच ए निकाल दिए तो ठीक है तो कैसे निकलेगा भाई अब देखो यहां पर अब देखो यहां परिवन द लोड ऑफ एटीन न्यूटन

What is the length of the rigid beam? Come on, tell me fast. What is the length of the rigid beam? Yes, 0.521, 0.521. Total length कितना हुआ? साढ़े तीन मीटर का. तो जो ये 1800 का load है, ये जो 1800 का load है, वो center में ही लगेगा. Double arch in the center. मतलब ये है, मतलब ये है कि अगर हम end से देखे, अगर हम end से देखे तो ये दूरी कितना होगा ये दूरी कितना होगा साढ़े तीन बटे दो इधर भी कितना होगा साढ़े तीन बटे दो अरे बोलो रे बाबा यस और नो तो साढ़े तीन बटे दो मतलब ये हो गया वन पॉइंट सेवन फाइव ये भी हो गया वन पॉइंट सेवन फाइव अब बेटा मेरे कैन यू सी द सिमेट्री ऑफ द लोडिंग लोडिंग और सपोर्ट के बीच में सिमेट्री दिख रहा है कितनों को सिमेट्री दिख रहा है कितनों को सिमेट्री दिख रहा है ये जो 1800 का लोड है वो ए और डी से हॉरिजॉन्टल दूरी सेम है अगर तुम 1800 देख रहे हो तो ए से जितना दूरी है उतना ही डी से भी दूरी है कितनों को दिख गया ये बात कितनों को ये बात दिख गया अरे बोलो रे बाबा जितना ए से दूरी है उतना ही डी से भी दूरी है यस और नो अरे बोलो रे बाबा यस और नो अरे लाइक किया कि नहीं किया एकदम एकदम तो ये दूरी कितना हो गया दिस इज व टू पॉइंट टू फाइव सिमिलरली दिस इज वॉट टू पॉइंट टू फाइव मीटर समझ में आ गया समझ में आ गया बोलो हाँ या ना इज इट क्लियर टू एवरी वन तो इफ दर इज सिमेट्री हमको क्या पता है जितना डाउनवर्ड लोड होगा जितना डाउनवर्ड लोड होगा दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इधर गया यहां पे गया अपवर्ड यहां पे गया वितना कितना कितना गया कितना कितना गया बोलो कितना गया also, 1800 सौ बटे दो दैट इज 900 हंड्रेड हियर ऑल्सो एटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू डेट इज नाइन हंड्रेड यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट अरे बोलो रे बाबा कोई डाउट नहीं चलो बढ़िया तो अब अगर हम रिजल्टेंट बनाए एट डी तो रेजल्टेंट डी का सी डी का लॉन्ग होगा द रेजल्टेंट एट डी इज अलॉन्ग सी डी अरे बोलो या ना, होगा? तो सी डी का एंगल होगा विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वही आरडी का भी एंगल होगा विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. मी यस और नो मैं क्या बोल रहा हूं अगर आप रिजल्टेंट एट डी देख रहे हो तो रिजल्टेंट एट डी का जो एंगल होगा वो डीसी के लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग होगा अरे बोलो या ना यस बिकॉज इट इज अ केबल एक ही मेंबर है यही होगा है ना तो अब कोई बता सकता है व्हाट इज दिस एंगल क्योंकि कुछ डायमेंशन गिवेन है कैन एनी वन टेल मी व्हाट इज द एंगल कोई बता सकता है ये क्या एंगल है कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द एंगल कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द एंगल यस कैन एन वन टेल मी वॉट इज दिस एंगल बाई 1.5 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल दैट इज हाउ मच 45 डिग्री तो so, अगर ये 45 है तो आर डी आपका जो रिजल्टेंट है ये भी 45 पे आएगा द रिजल्टेंट विल ऑल्सो कम एट फोर्टी फाइव और अगर रिजल्टेंट फोर्टी फाइव पे आया अगर रिजल्टेंट फोर्टी फाइव पे आया सो वट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट डी वट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डी कमान 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 टेल मी फर्स्ट वट इज दॉरिजॉन्टल अगर रेजल्टेंट फोर्टी फाइव पे आना है और अगर वर्टिकल 900 है तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा कम ऑन मी फर्स्ट अगर ये 45 पे आना है रिजल्टेंट तो अगर वर्टिकल 900 है तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा ये भी हंड्रेड होगा सो दिस एच डी इज ऑल्सो इक्वल टू नाइन हंड्रेड समझ में आ गया समझ में आ गया अब भाई वर्टिकल बैलेंस पूरे स्ट्रक्चर का ऐसा को एज अ होल देखें अंदर हमको कोई मतलब नहीं है पूरे स्ट्रक्चर को एज अ होल देख रहे हैं तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 100 आ रहा है डी पे तो ए पे भी लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल 900 आएगा यस और नो ए पे भी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में 900 आएगा और अगर ए पे 900 हंड्रेड हॉरिजॉन्टल है और ए पे वर्टिकल 900 है मतलब दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट 900 हंड्रेड रूट टू है या नहीं ट दिस इज नाइन हंड्रेड रूट टू बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा है या नहीं है दिस इज नट नाइन हंड्रेड रूट टू इट्स नाइन हंड्रेड रूट टू अब जो भी रिएक्शन आया वही फोर्स इन देंबर ए बी हो गया ए बी तो यहां पर क्या लिखे रूट ओवर नाइन हंड्रेड स्क्वायर प्लस नाइन हंड्रेड स्क्वायर तो ये क्या हो गया नाइन हंड्रेड रूट टू किलो न्यूटन डेट इज योर आंसर डेट इज योर आंसर हो गया हो गया भाई मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका समझाया और अगर वो तरीका तुम समझ गए तो क्वेश्चन में मजा आ गया होगा अगर तुम वो क्वेश्चन समझ अगर वो तुम तरीका समझ गए तो, तो क्वेश्चन में मजा आ गया होगा ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं सुनना सारे लोग बहुत ध्यान से फिर से बहुत ध्यान से फिर से सारे लोग सुनेंगे मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मेरे हमको अंदर में क्या चल रहा है इंटरनल फोर्सेस क्या है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं वट आई एम गोइंग टू डू मैं सपोर्ट रिएक्शन यूज करूंगा सपोर्ट रिएक्शन तो हमको क्या पता है इफ द वर्टिकल लोड इज देर इफ दर्टिकल लोड इज देयर एंड इट इज सिमेट्रिकली प्लेस बिटवीन द सपोर्ट सपोर्ट के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड अंदर में क्या मेरे को कोई मतलब नहीं है आई नीड टू सी द सपोर्ट सो इफ द लोड इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द सपोर्ट अगर लोड सपोर्ट से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है देन वट यू नीड टू डू आपको करना क्या है वट यू नीड टू डू यू नीड टू यू नीड टू यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू बोथ द सपोर्ट आपने लोड को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अगर ये 1800 का लोड लगा था तो दोनों पे 900 900 गया बोलो ये बात समझ में आ गया था चलो उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई सीडी मेंबर को देखो जो भी रिएक्शन डी पे आएगा एट द सपोर्ट रिजल्टेंट रिएक्शन, वो सी डी का अलोंग होगा तभी तो बैलेंस होगा वो सी डी का अलोंग होगा तभी तो बैलेंस होगा है ना तो रिजल्टेंट रिएक्शन इज अलॉन्ग सी डी नी डी इज मेकिंगल फोर्टी फाइव विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो अगर सी डी फोर्टी फाइव बना रहा है तो रेजल्टेंट डी पे भी फोर्टी फाइव बनाएगा अरे बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा रेजल्टेंट डी पे भी क्या बनाएगा फोर्टी फाइव बनाएगा और अगर रिजल्टेंट डी पे फोर्टी फाइव होना है तो हम क्या जानते हैं कि जितना वर्टिकल होगा उतना ही होगा क्यों भाई मेरे आप क्या लिखोगे? वर्टिकल एट डी यही लिखोगे ना तो टेन फोर्टी फाइव वन है तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा वीडी विल be इक्वल टू एच डी मतलब अगर वीडी नाइन हंड्रेड है तो एच डी भी नाइन हंड्रेड होगा yes, होगा अब हमने क्या किया स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग देखा तो अगर राइट right में नाइन हंड्रेड आया तो लेफ्ट में भी नाइन हंड्रेड आएगा इफ इन द राइट इट इज नाइन हंड्रेड तो लेफ्ट ऑल्सो इट विल बी तभी तो बैलेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो कोई भी आपका कपल जनरेट नहीं होगा नो कपल विल बी जनरेटेड राइट देयर आफ्टर अब हमको बी ए और एच ए दोनों आ गया वी हैव गॉट बोथ बी एंड एच ए सो अगर आपके पास बी ए और एच ए दोनों है If you have both and HA, तो मैंने आपको क्या बोला भाई रिजल्टेंट जो होगा वो तो नाइन हंड्रेड रूट टू होगा नाइन हंड्रेड रूट टू होगा और जो भी रिजल्टेंट होगा वही ए बी पे जाएगा डॉट ओनली मूव टू ए बी तो पहला पार्ट क्लियर हो गया इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर टू एवरी वन इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर टू एवरी वन जो आपको निकालना था फोर्स इन द केबल ए बी यू है फोर्स इन द केबल ए बी भाई मैंने ज्यादा पेन कलम नहीं चलाया है मैंने कोई इक्वेशन बैठ के सॉल्व नहीं करा है आपको यहां पे मैंने डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ द बेसिक्स वी हैव हैव क्लियरड इट वी क्लियरड इट बात समझ में आया बात समझ में आया बोलो या ना इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द फोर्स इन द केबल ए बी यस चलिए अब अगला निकालते ऑल्सो डिटरमाइन द सैग एट बी अब सैग एट बी का क्या मतलब है ऑल्सो डिटरमाइन द सैग एट बी ऑल्सो डिटरमाइन द सैग एट बी बी so पे सैग का मतलब क्या है दिस कि सपोर्ट से बी कितना डाउन है सपोर्ट पॉइंट से आपका बी कितना डाउन है नीचे है. So इसको हम बोल रहे हैं एच दिस इज द एच तो यहां पे क्या लिख रहे हैं सैग एट बी सैग एट बी इज नथिंग बट इक्वल टू एच अब कौन बताएगा ये एच हु दिस एच देखो सोचो थीटा क्या होगा थीटा अगर समझ गए तो तुम एट बी बता दोगे अगर तुम थीटा समझ गए तो एट बी बता दोगे थीटा थीटा, थीटा। सोचो कि कितने एंगल पे है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर तुमने ये बता दिया तो तुमको सैग एट बी मिल गया मी फास्ट टेल मी फास्ट व्हाट इज बी बी पे कितना सैग होगा यस हु कैन टेल मी फास्ट हु कैन टेल मी कौन बता सकता है भाई वट इज द सैग एट बी बी पॉइंट पे कितना सैग आएगा कौन बताए यस यार देखो बड़ा सिंपल था क्यों सिंपल था दिस पॉइंट दिस एंगल इज हाउ मच दिस इज 45 डिग्री ये कितना है दिस इज 45 डिग्री अगर ये फोर्टी फाइव है तो ये भी फोर्टी फाइव होगा तभी तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा yes. पहले हमने रेबर ऐसे गए, फिर उल्टा आ रहा है ना फोर्टी फाइव तो यह कितना, तो कितना होगा दिस विल ऑल्सो भी वन मीटर तभी तो फोर्टी फाइव रहेगा राइट सो साइग एट साइट इज इक्वल टू एच एंड दिस इज इक्वल टू वन मीटर इज इट क्लियर मजा आया इसी सवाल को कुछ लोग बनवाते बैठ के पूरा कैलकुलेशन करवा रहे होते पहले ब्रेक कर रहे होते ब्रेक करके इसका ई e, बी e और सीए पे फोर्स निकाल रहे होते फिर उसके बाद इस पूरे के लिए चार इक्वेशन चार रन करके सॉल्व कर रहे होते पता नहीं क्यों कर रहे होते आई डोंट नो रिक्वायरमेंट नहीं देर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस यूजिंग ऑल योर गदा वाला स्टेप इज इट क्लियर अगर तुम स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग रखते हो मैं बार यही बार यही बात बोलता हूं इफ यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर देन यू कैन सॉल्व हा ये तरीका समझने के लिए टाइम लगेगा क्यों टाइम लगेगा बिकॉज मैं कन्वेंशनल अप्रोच आपको नहीं सिखा रू कन्वेंशनल अप्रोच वही होता है कि भाई सेक्शन कट करो एक क्वेश्चन यूज करो और आंसर निकालो ये कन्वेंशनल अप्रोच लेकिन आई एम नॉट टीचिंग यू द कन्वेंशनल अप्रोच ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर एफर्ट टू गेट द आंसर इज इट क्लियर अब ये पॉइंट समझ में आ गया चल सो so, ये आपका क्लियर है सबको दिस क्वेश्चन इज क्लियर अस मूव टू द नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन रीड दिस क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा क्या बोल रहा है रिजिट बार दिस इज द रेटेड बार ऑफ टू किलो न्यूटन वेट तो भाई इसका वेट कहा लगेगा सेंटर में लगेगा टू किलो न्यूटन वेट इज हेल्ड इन पोजिशन बाई द टू वायरस दो वायर दिख रहे हैं सबको यस फाइंड द सैग एट बी फाइंड द सैग एट बी बी पे सैग तो बी पे सैग क्या होगा कहां से दिखेंगे फ्रॉम हियर दिस इज अग एट बी मेरे को सैग एट बी चाहिए कैसे निकाल कैसे निकाल हाउ टू फाइंड इट वी नीड टू डिटरमाइन द सैग एट बी हमको बी पे सैग चाहिए कैसे निकाला जाए बताओ 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 यस हाउ टू फाइंड इट बड़ा सिंपल है बहुत सिंपल है देखो जो भी देखो मैं सिंपल क्वेश्चन करा के क्या करूंगा कोई फायदा है क्या इज देर एनी यूज ऑफ सॉल्विंग नो कॉम्प्लिकेट होगा तभी तो मजा आएगा ना यार कॉम्प्लीकेट होगा तभी तो मजा आएगा तो मेरा हम डील कर रहे हैं इक्विलिब्रियम बॉडी से तो अगर हम इस रिजिड बार को देखें अगर ये इक्विलिब्रियम में होना है तो जो बीसी मेंबर पे टेंशन आया है ना और जो डी मेंबर पर टेंशन आया और यह जो फोर्स है यह तीनों कंकरेंट होगा तभी यह स्टेबल होगा द रिजिड yes no. अगर कंकरेंट नहीं होगा तो यह स्टेबल नहीं होगा बिकॉज रिजिड बार इज सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस वन इज यू टू केबल सी बी वन इज यू टू केबल डी एंड वन इज द वेट ऑफ द रिजिड बार तो अगर ये रिजिड बार को स्टेबल बनाना है तो इस रिजिड बार पे तीन फोर्स लगेगा एक उसका वेट और दो केबल का फोर्स एंड ऑल द थ्री फोर्सेस विल बी कॉन्करेंट, करेंट विल बी कॉन्करेंट, करेंट को प्लानर तो दिख ही है, यस और राइट तो अब अगर तुमने ऐसे किया अगर तुमने ऐसे किया तो आपको क्या करना है यहां पे देखो लुकिए लुकियर Look here. Look here. बेटा मेरे वट इज दिस लेंथ वट इज दिस लेंथ वन प्लस टू थ्री मीटर राइट एंड वट इज दिस लेंथ दिस इज ऑल्सो थ्री मीटर ठीक है दिस इज ऑल्सो थ्री मीटर तो अब मेरे को एक बात बताओ अगर ये कंकरेंट होना है और तीन मीटर ही है तो दोनों साइड एंगल थीटा होना चाहिए दोनों साइड एंगल थीटा होना चाहिए बोलो या हाँ ना एट द बोथ द द एंगल शुड बी सेम शुड बी सेम तो अगर दोनों साइड एंगल सेम है तो अगर यहां पे आइट हाँ कैपिटल एच बोल रहा हूं तो यहां भी आइट कैपिटल एच होगा बोलो यस तभी होगा। तो अब देखो आई थिंक यू गॉट योर आंसर आई थिंक यू गॉट योर आंसर अगर दोनों साइड हाइट कैपिटल एच है अगर दोनों साइड हाइट कैपिटल एच है इफ बोथ द द साइड्स हाइट इज कैपिटल एच तो ई वट हॉरिजॉन्टल से जितना डाउन होगा उतना बी हॉरिजॉन्टल से डाउन होगा बोलो या ना बोलो या ना विल इट बी दैट होगा कि नहीं होगा सो सैग एट बी इज व्हाट व्हाट इज द सैग एट बी व्हाट इज द सैग एट बी

ऑल द फोर्सेसुड बी एंड को प्लान ठीक है तो उसको यूज करके हमने यह देख लिया कि वाइट एट बी एंड ई विध रिस्पेक्ट टू हॉर्जॉन्टल ठीक हमने यह देख लिया उसके बाद हमको पता है कि ई e पॉइंट से वर्टिकल का कितना दूरी है मतलब हॉर्जॉन्टल लाइन का कितना दूरी है वो निकाल लिया डेट इज द आंसर इज इट क्लियर अरे बोलो रे बाबा यह पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन अरे बोलो रे समझ में आया कि नहीं आया? मानो कुछ फोर्स निकालने आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से सीखे हो बस उसी से हम अप्लाई कर लेंगे आपने जो मेथड ऑफ ज्वाइंट में सीखा है ना बस उसी को अप्लाई करके आंसर कर इज इट क्लियर राइट सो एनी डाउट क्लियर यहां तक कोई डाउट है तो बोलू पक्का श्योर चलो सो so, आज का मोटिवेशन सेशन मोटिवेशन क्या है आज का नो एक्सक्यूजेस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड यार जब आप पढ़ाई करते हो ना जब आप पढ़ाई करते हो तो जब तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो तुम एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हो या तुमसे रिजल्ट नहीं आता है तो तुम उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढना शुरू कर देते हो और जब तुम कोई भी चीज में एक्सक्यूज ढूंढना शुरू कर दोगे ना ठीक है कि यार ये कारण था घर में ये बीमार पड़ गया था इसलिए हम फेल हो गए या घर में ये हो गया था हम या दोस्त के शादी में चले गए थे एंड सो ऑन इसलिए हम नहीं कर पाए सर दिवाली आ गया था सर दिवाली के कारण मेरा पढ़ाई में कमी हो गया

वो ये हो गया था सेमेस्टर एग्जाम आ गया था वो फलाना आ गया था और इसके कारण मेरे पढ़ाई में कमी हो गई भाई क्यों हो गई इज दिस अलाउड क्या ये अलाउड है नहीं अलाउड इट इज नॉट अलाउड इट इज नॉट अलाउड बात समझ में आया जिस दिन तुमने एक्सक्यूज देना छोड़ दिया जो तुम्हारा गोल है पर डे का वो अचीव करना शुरू कर दिया वट एवर मे बी द कंडीशन वट एवर मे बी द कंडीशन उस दिन से आपका रिजल्ट आ जाएगा जैसे सिंपल सा बात है मैं अपने चैनल का ही बात कर रहा हूं अन दिवाली टाइम लेकिन अभी भी अभी भी बिकॉज द स्टाफ आर ऑन हॉलीडे राइट सो वी कैन नॉट कम लाइव तो आपके लिए मैं पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म रेडी करके रखा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो आपकी क्लासेस ना छूटे आपका सिलेबस डिले ना हो तो वहां पे मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया कि नहीं अभी क्लास नहीं होगी दिवाली है दिस इज अक्सक्यूज मैंने आपकी क्लास कराई जो मेरा धर्म था वो मैंने आपके लिए किया यस और नो सो डोंट मेक एनी एक्सक्यूज वाइल्ड यू आर डूइंग द प्रिपरेशन और एनी अदर थिंग जो आप लाइफ में करना चाहते हो मैं चाहता हूं ये चैनल बेस्ट चैनल बन जाए सिविल का ये मेरा ड्रीम है दिस इज माई ड्रीम ई वॉन्ट टू मेक दिस द बिगेस्ट चैनल ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग सो हाउ टू मेक इट द बिगेस्ट मुझे पता है टाइमली क्लास होनी चाहिए प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए राइट right? और उस चीज के लिए आई ऑलवेज ट्राई माई हंड्रेड परसेंट कि वो चीज हो इज इट इज एक्सक्यूज देना बंद करो डोंट मेक एनी एक्सक्यूज बिकॉज वेन यू गिव द एक्सक्यूजेज इन द लाइफ देन कम्स द फेलियर तभी फेलियर आता है तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया यस yes? चलिए आगे बढ़ते हैं सो रीड दिस क्वेश्चन रीड दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ केबल इज सस्पेंडेड अक्रॉस अ गैप ऑफ 250 मीटर देर इज अ गैप ऑफ 250 मीटर उसके बीच में केबल सस्पेंड किया है सस्पेंडेड एंड कैरी इज अन ऑफ टेन किलो न्यूटन पर मीटर हॉरिजॉन्टली तो सबसे पहले तो ये बनाना जरूरी है कि दिखेगा कैसे लेट अस मेक इट

ज एवरी ऑन ऑब्जर्व द केबल सस्पेंशन ब्रिज सो दिस इज द केबल सस्पेंशन ब्रिज जहां पर क्या बोल रहा है कि कैरी इज अल ऑफ टेन किलो न्यूटन पर मीटर फॉर द इंटायर लेंथ फॉर इ जॉइली ठीक है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन इफ द मैक्सिम सैग मैक्सिमम सैग इज वन बाय ट्वेंटी ना वट डू अंडरस्टैंड मैक्सिमम सैग लेट सी वट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैक्सिम सैग देखो मान लो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है सो द मैक्सिमम साइड रेफर्स टू द सेंटर सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका टोटल टू फिफ्टी मीटर है सो दिस एंटायर दिस एंटायर दिस एंटायर इज टू फिफ्टी मीटर ये पूरा आपका कितना है टू फिफ्टी मीटर का दिस इज टू फिफ्टी मीटर ठीक है दिस इज 250 मीटर तो अब क्या बोल रहा है अगर 250 मीटर के बीच में आपका एक केबल सस्पेंड हुआ है एंड लोडिंग इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली तो एक प्रॉपर्टी है केबल का कि अगर यूडीएल हॉरिजॉन्टल अप्लाई करते हैं स्पैन पे तो इट एज्यूम्स द शेप ऑफ अ पैराबोला इट एज्यूम्स द शेप ऑफ अ शेप ऑफ पैराबोला कौन सा शेप ले लेगा पैराबोला का शेप ले लेगा जहां पे अगर हम सेंट्रल राइज एच बोल रहे हैं ठीक है एंड एट एनी डिस्टेंस एच अगर हम वाई बोल रहे हैं और लेंथ बिटवीन द सपोर्ट इज एल बोल रहे हैं सो इट हैज द इक्वेशन व्हाट इज द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू फोर एच बाई एल स्क्वायर इन टू एच इन टू एल माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एच इंटू बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स इज इट क्लियर टू एवरी वन ये पॉइंट सबको समझ में आया वाई स्क्वाच बाई एल स्क् राइट तो जब भी ये प्रॉपर्टी है पैराबोला केबल का कि अगर एक केबल को सस्पेंड करते हैं और यूरियल लगाते हैं थ्रू आउट द स्पैन इन दॉरिजॉन्टल सो इट एज्यूम द शेप ऑफ द पैराबोलाटिव में काम आता है ठीक है तो अब मेरे को क्या बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिम टेंशन इफ द मैक्सिम सैग इज वन बाई ट्वेंटी फाइव ना वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस मैक्सिमम सैग इज वन बाई ट्वेंटी एच बाई एल मैक्सिमम सैग रिफर्स टू मैक्सिमम अरे इट मीन्स मैक्सिमम सैग मैक्सिमम सैग क्या होता है मैक्सिम सैग रिफर्स टू एच ठीक है पहली बार अगर रेशियो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है एच बाई एल लेंथ दिस इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी फाइव तो एच बाई टू फिफ्टी इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी फाइव तो एच बराबर कितना हो गया टेन मीटर द एच इज इक्वल टू टेन मीटर एच कितना होगा द एच विल बी इक्वल टू टेन मीटर ठीक है तो आपका एच कितना हो गया दिस इज टेन मीटर इज इट क्लियर अभी तक हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है अभी तक तो बस डायग्राम समझा रहे हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा क्वेश्चन तो आगे हम लेके आएंगे बट पहले सुनो पहले सुनो तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं वट आई एम से इफ अ केबल इज सस्पेंडेड अगर केबल सस्पेंड कर रहे बिटवीन द टू सपोर्ट्स एंड बिटवीन द सपोर्ट ओवर द हॉरिजॉन्टल स्पैन

so if the udl is acting if the udl is acting i am not considering the dead load of this cable cable ka load hum consider nahi kar rahe hum sirf ye udl ko consider kar rahe hain so agar hum bol rahe ye point aapka B hai ये point तुम्हारा एच ए क्योंकि tensile होगा इसलिए बाहर तरफ show कर रहे हैं है। इधर आपका BB, और इधर आपका एच सी ठीक है ठीक है बात तो टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है टोटल डाउनवर्ड लोड व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड डब्ल्यू इंटू एल और ये लोड सिमेट्रिक है द लोड इज सिमेट्रिक बोलो हाँ या ना तो अगर लोड सिमेट्रिक है तो क्या हम लिख सकते हैं कि वी ए बराबर वी बी बराबर डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू कितना है टेन लेंथ कितना है टू फिफ्टी टेन इंटू टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू डेट इज वन टू फाइव जीरो किलो न्यूटन बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा टेन विल इट बी देर ऑन नॉट यस इट विल बी देर तो अब देखो यहां पर अब देखो यहां पे सो so, हमने बी एर बीबी निकाल लिया ठीक है अगला हमको चाहिए एच ए तो एच ए निकालने के लिए मैंने हमको क्या पता है कि बेंडिंग मोवमेंट एवरीवेयर इन द केबल इज जीरो बेंडिंग मोमेंट एवरीवेयर इन द केबल इज जीरो बोलो या ना द बेंडिंग मोमेंट एवरीवेयर इन द केबल इज जीरो अरे बोलो रे बाबा यस तो आई आई एम गोइंग टू फाइंड बिकॉज नीड वन मोर इक्वेशन सो आई एम गोइंग टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर पॉइंट वाई क्योंकि हमको हाइट पता है आई नो द हाइट आई नो द लेंथ तो हम यहां पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं आई कुड राइट एनी वेयर आई कुड राइट एनी वेयर नॉट अ प्रॉब्लम हम कहीं भी लिख सकते थे लेकिन मेरे को यहां पे डेफिनेट वैल्यू पता है इज इट क्लियर डेट्स देंटर पॉइंट इज दिस क्लियर टू दिसन भाई हम बेंडिंग मोमेंट कहीं भी ले सकते थे वी कुड हैव बेंडिंग मोमेंट लेकिन हमने सी पे लिया बिकॉज बिकॉज एट सी हमको पता है कि वर्टिकल से दूरी कितना है है ना बट वर्टिकल से कितना दूरी है और हॉरिजॉन्टल से कितना दूरी है डेट वी आर टेकिंग द मोमेंट एट सी फॉर फाइंडिंग एच ए और फॉर फाइंडिंग एच ठीक है

वन टू फाइव जीरो होगा इन टू वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टेन दिस इज इक्वल टू एच ए दिस इज इक्वल टू एच ए इतना ही आ रहा है इतना ही आ रहा है तो बहुत ज्यादा आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है क्या हाँ गलती तो हो गया ना गलती तो हो गया भाई मेरे भाई मेरे आपने जब बेंडिंग मोमेंट लिखा तो ये यूडीएल भी तो है दिस यूडीएल विल ऑल्सो भी, भी देर ज कॉल्स बेंडिंग मोमेंट एट सी क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो लोड पर डिपेंड करता है तो इफ आई राइट द बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या लिखोगे दैट इज ऑफ टेन एंड द लेंथ इज वन टी फाइव तो लोड इज डाउनवर्ड यू हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट सी तो डाउनवर्ड लोड मोमेंट अबाउट सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सो माइनस माइनस वॉट टेन इंटू वन ट्वेंटी फाइव

125 फाइव अच्छा इंटू टेन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस एस वन टू फाइव जीरो इंटू वन फाइव डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अगर हम एच ए की बात करें तो यहां पे डिवाइड बाई टेन कर देंगे डिवाइडेड या हाँ ना यही होगा यही होगा ना यही होगा एकदम यही होगा ना व्हाट यू आर गोइंग टू राइट आर गोइंग टू राइट गया जीरो गया गया टू काटेगा का वन ट्वेंटी फाइव कितना टाइम्स टू काटेगा का वन ट्वेंटी फाइव कितना टाइम्स बोलो टू सिक्स टू पॉइंट फाइव टेल मी द वैल्यू टेल मी वैल्यू यस, टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस फास्ट एवरी वन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस वन टू फाइव वन टू फाइव वन टू फाइव इन टू यस इट इज सेवन एट वन टू पॉइंट फाइव इट इज सेवन एट वन टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन ये बात समझ में आ गया ये बात समझ में आ गया बोलो हाँ या ना ये बात क्लियर हो गया सबको 7812.5 किलो न्यूटन सो द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सी इज 7812.5 किलो न्यूटन एंड द हॉरिजॉन्टल एट ए इज 7812.5 किलो न्यूटन ये बात सबको क्लियर हो गया ये बात सबको क्लियर हो गया बोलो हाँ या ना इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन भाई मेरे सिंपल है कैलकुलेशन तो अलग बात है ठीक है जो आपका तरीका है वो समझ लाना चाहिए बी ए बी भी तो आपने निकाल दिया सिमेट्री से आपको एडिशनल इक्वेशन चाहिए कैसे निकाला बेंडिंग मोमेंट से सो वी वी यूज द द एडिशनल इक्वेशन फाउंड रिएक्शन अब आपको क्या बोल रहा है वट इज द मैक्सिमम टेंशन मैक्सिमम टेंशन कितना होगा तो अब जरा स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझना स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से समझना अगर समझ गया तो गेम हो गया ये आपका स्ट्रक्चर है ठीक है

किलोन्यूटन है ना होगा यहां पे क्या होगा दिस इज वन टू फाइव जीरो किलो न्यूटन और कितना होगा दिस इज सेवन एट वन टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन अब एक बात बताओ अगर हम यूडीएल लेते चलें, इफ आई एम टेकिंग द यूडीएल ठीक है तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे तो ये वर्टिकल लोड बढ़ेगा या कम होगा वर्टिकल लोड किसी भी सेक्शन पे आप केबल के किसी भी सेक्शन पे बात कर रहे हो तो वर्टिकल लोड बढ़ेगा या कम होगा ये तो रिएक्शन है ये तो रिएक्शन है अगर आप किसी भी सेक्शन पे बात कर रहे हो ड्यू टू द यूडीएल वर्टिकल लोड बढ़ेगा या कम होगा बोलो भाई बोलो 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 विल हैपन द वर्टिकल लोड विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज वर्टिकल लोड विल इंक्रीज और डिक्रीज टेल मी यस बोलो वर्टिकल लोड विल विल डिक्रीज वाई वाई देखो देखो अगर मानो अगर मानो अगर मानो हम बोल रहे हैं कि लेडस से लड़स से आपने लेडस से आपने सम एक्स दूरी पे यहां पे बात किया ठीक है आपने बात किया, तो एट दिस एच डिस्टेंस अगर तुम यहां कोई देखोगे, फाइव जीरो माइनस डब्ल्यू इन टू एच होगा कि नहीं होगा होगा लेकिन क्योंकि तो ये जो पार्ट एच है ये नीचे की तरफ लग रहा है और इस वन टू फाइव जीरो ऊपर तरफ लग रहा है तो वर्टिकल लोड कम होगा और जॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा डेट विल भी सेम कि नहीं होगा तो उसी तरह तुम सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हो वर्टिकल लोड कम होते जा रहे हैं एंड एट द सेंटर वट विज द वर्टिकल लोड सेंटर पे केबल में वर्टिकल लोड कितना होगा कौन बताएगा एट द सेंटर व्हाट इज अ वर्टिकल लोड एट द सेंटर व्हाट इज अ वर्टिकल लोड एट द सेंटर एट द सेंटर पॉइंट व्हाट इज द वर्टिकल लोड सेंट्रल पॉइंट पे वर्टिकल लोड कितना होगा हाँ भाई एट द सेंट्रल पॉइंट इज एट 125 मीटर व्हाट इज द वर्टिकल लोड इट विल बी जीरो अरे बाबा डब्ल्यू इज टेन एच इजन ट्वेंटी फाइव सो वन ट्वेंटी तो जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड एट दिस पॉइंट नो वर्टिकल लोड एट दिस पॉइंट देयर इज ओनली अ टेंशन दैट इज हाउ मच सेवन एट वन टू पॉइंट किलो न्यूटन मतलब मैक्सिमम टेंशन कहां पे मिला वेयर इज द मैक्सिमम टेंशन कम ऑन टेल मी फास्ट वेयर इज द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल मैक्सिमम टेंशन इन द केबल मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा मैक्सिमम टेंशन इन द केबल विल बी एट विल बी एट कम ऑन टेल मी फास्ट विल बी एट द एंड एंड बी विल बी एट ए एंड B. और वो कितना होगा जो रिजल्टेंट होगा जो भी रिजल्टेंट होगा सो दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर सेवन एट वन टू पॉइंट प्लस वन टू फाइव जीरो पॉइंट सबको समझ में आया कम ऑन गेट मी द वैल्यू गेट मी द वैल्यू मैंने आपको क्या बोला कि भाई मेरे आपका जो वर्टिकल लोड है आपका जो वर्टिकल रिएक्शन है डेट विल बी मैक्सिम एट द एंड जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू कम होते जा रहे हो वाइट इज रेड्यूसिंग क्यों घट रहा है यूडीएल यूडीएल का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है वैल्यू बढ़ते जा रहा है जैसे तुम एंड से सेंटर पे आते जा रहे हो और उसके कारण वर्टिकल लोड कम होते जा रहे हैं इज इट क्लियर ये पॉइंट समझ में आया सो वट इज द आंसर वट इज द आंसर वट इज द आंसर वट इज द आंसर टेन बी फर्स्ट वट इज द आंसर सेवन एट वन टू पॉइंट फाइव सेवन एट वन टू पॉइंट फाइव यस कमऑन टेन यू फर्स्ट टेन यू फर्स्ट 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 वट इज द आंसर यस बोलो यार आंसर क्या है यस जो भी होगा आप निकाल लो ना वैल्यू नहीं लेना मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी ठीक है यू कैन फाइंड द वैल्यू

रिएक्शन वहां पे कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं होगा तो जो भी हॉरिजॉन्टल होगा फोर्स विल बी देयर हॉरिजोंटल हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी योर मिनिमम टेंशन इन द केबल वही आपका क्या हो जाएगा मिनिमम टेंशन इन द केबल हो जाएगा तो ये आपका आंसर है सेवन नाइन वन वन पॉइंट एट किलोमीटर समझ में आ गया सबको अरे हा या ना तो मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन क्लियर टू एवरी अरे बोलो रे बाबा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन क्लियर टू एवरी अब देखो यहां अब देखो यहां पर एक और बोला सैग एट मीटर फ्रॉम द वन एंड तो मान लो एच फिफ्टी है वाई आपको निकालना है फॉर्मूला आपको पता है निकाल नहीं लोगे यू नो द फॉर्मूला अप्लाई सो क्या बोल रहे एट फिफ्टी मीटर फ्रॉम ए लेटस से या बी से भी ले सकते थे तो क्या लिखोगे वाई इज इक्वल टू फोर एच बाई एल स्क्वायर एच इन टू एल माइनस एच सो वाई इज इक्वल टू एच कितना आया आपका टेन आया एल कितना है टू फिफ्टी इस पूरे का स्क्वायर इंटू एच कितना है फिफ्टी एल कितना है टू फिफ्टी माइनस फिफ्टी यही होगा तो देख लेते मैनुअली अगर हो जाए 40 into 50 into 200. 250 into 250. तो फोर्टी इंटू फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड और इधर टू फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी तो फिफ्टी फाइव जा टू फिफ्टी ये चार गया ये पांच गया फाइव एट जा फोर्टी है ना तो एट फोर जा थर्टी टू बाई फाइव एट फोर जा थर्टी टू बाई फाइव तो फाइव थर्टी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर मीटर सो दिस इज 50 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट अब ये चाहे तुम लेफ्ट से लो चाहे तुम राइट से लो फर्क नहीं पड़ना फर्क नहीं पड़ना तो आई होप आपको केबल के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए कि हाउ दे कैन आस्क यू द्वेश्चन ठीक है मैं आपको पहले बोल रहा हूं यहां पे आपको यह समझना जरूरी है कि वट इज माई सिलेबस मेरा सिलेबस क्या है और हम कैसे किसी भी पॉइंट पे फोर्सेस निकाल सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना भी सिखा दिया मैंने आपको हाउ टू यूज द सिमेट्री इन द केबल्स ये भी आपको बताया केबल्स में कैसे आप मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन बताते हो ये भी समझाया यूडीएल का इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको बताया राइट right. तो बस यही आपको पढ़ना है केबल्स में ठीक है अब कोई भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हो ठीक है इज इट क्लियर राइट इज इट क्लियर तो भाई मेरे इतना ही पढ़ना में केबल में बाकी आप लोग को अगर प्रीवियस uh, सब्जेक्ट्स देखने हैं जो कवर हो गए इस चैनल पे सो यू कैन गो टू द लिस्ट यू कैन सी ऑल द वीडियोस राइट और अगर आप वेल प्लान वे में आना चाहते हो प्लस पे गो फॉर द प्लस और आइकॉनिक आइदर इन द 12 मंथ एटीन मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन जस्ट दैट यू नीड टू यूज द कोड दैट इज बी एच ए आर टेन राइट एंड आपको सारे नोट अन्य गेट सी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो देन यूज देग्राम आई डी दैट इज टेन ओके एंड देर टेन थाउजेंड प्लस फेसबुक मेंबर्स ऑन ऑन द द गेट ग्रुप फेसबुक में आप पोस्ट कर सकते हो अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आप कहीं भी देख लो आप वेदर इट्स मेकेनिकल सिलेक्ट्रिकल और एस एस सी जेई और कोई भी अदर प्लेटफॉर्म बात करो अकेडमी इज लीडिंग इन ऑल द पार्ट ओके सो थैंक यू सो मच सो डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद य मोर एंड मोर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वालिटी एजुकेशन को ले सके थैंक यू सो मच बाय